सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन। गाने की आवाज सुनकर वरुण ने जैसे ही गाने की आवाज कहां से आ रही है ढूंढने के लिए आसपास देखा तो गाड़ी के बैक मिरर में देखकर उसके होश उड़ गए। गाड़ी के पिछले सीट पर एक महिला बैठी थी, वन पीस पहने बहुत ही खूबसूरत महिला बैठी थी, जिसके बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ रहे थे जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। वरुण सोचने लगा, चलती कार में ये महिला कैसे अंदर आ गई। ऑफिस से निकलते वक्त वरुण ने अपनी घड़ी को देखा तो रात के 10 बज रहे थे। शिट यार, आज भी लेट हो गया। बॉस को भी हमेशा लास्ट मोमेंट पर ही अर्जेंट मीटिंग करनी होती है। खुद का परिवार तो विदेश में बसा हुआ है, दूसरों के परिवार के बारे में तो सोचे। वरुण तेरी खैर नहीं, आज तो तुझे माँ की दोबारा डांट पड़ने वाली है। सोचते हुए वरुण अपनी कार में बैठ गया। रात का टाइम था, रिमझिम बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। अपनी कार में बैठते ही वरुण ने गाने लगाए और अपने घर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का फोन आया। हेलो वरुण बेटा, कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। मुझे तेरी फिक्र हो रही है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ शादी कर ले। कम से कम तेरी नकेल कसने वाला कोई तो आ जाएगा, मगर तू है कि सुनता ही नहीं। माँ तुम भी ये क्या सारी बातें लेकर बैठ गई। हाँ लास्ट मोमेंट पर ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग आ गई, इस कारण लेट हो गया। कुछ ही देर में आ रहा हूँ, वहीं आकर बात करते हैं। कहकर उसने फोन रख दिया। बातों ही बातों में उसने रात के अंधेरे और बारिश के कारण गलत रास्ता पकड़ लिया। बादलों के कारण वैसे ही रात बहुत घनी काली हो रखी थी। तेज हवाएं और सुनसान रास्ते में पत्तों की सरसराहट किसी के भी मन में भय पैदा करने के लिए काफी है। मगर वरुण नए जमाने का लड़का था, भूत प्रेत काली शक्ति इन सब बातों को नहीं मानता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बेटा वरुण, गलत रास्ते पर तो आ गए, मगर अब यहाँ से निकलने के लिए GPS ऑन करना पड़ेगा। वरुण ने अपने मोबाइल का GPS ऑन किया और उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। वह जंगल में दाखिल हो रहा था। जंगली जानवरों की रोने की आवाज उसके कानों में आ रही थी। अचानक सामने से दो चमकती हुई आंखें उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। डर कर उसने कार रोकी और कार का डिपर ऑन किया तो देखा एक काली बिल्ली थी। कार की रोशनी में वो बिल्ली वहां से भाग गई। बिल्ली के जाने के तुरंत बाद ही जंगली जानवरों की रोने की आवाज तेज होने लगी। बचपन में कहीं वरुण सुना था कि आसपास कुछ बुरा होने वाला हो तो जानवर रोने लगते हैं। जानवरों के इस तरह रोने से अब वरुण को डर लगने लगा। वरुण ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर चला ही था कि रास्ते में लगे हुए एक बोर्ड को देख उसे लगने लगा कि ये रास्ता तो अभी उसने पार किया था। हो सकता है मेरे मन का वहम हो। वरुण गाड़ी को वहां से निकालने लगा, मगर कुछ पल के बाद वो वापस उसी बोर्ड के सामने से निकला। हैं? लगता है GPS गलत बता रहा है, एक ही जगह घूम रहा हूं मगर यहां से निकलूं कैसे। किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। सोचकर उसने मोबाइल अपने हाथ में लिया तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। बिना नेटवर्क के GPS चल रहा था। अचानक से चलता हुआ म्यूजिक प्लेयर बंद हो गया। उसने म्यूजिक प्लेयर ऑन ऑफ करके चालू करने की कोशिश की, मगर म्यूजिक प्लेयर चालू नहीं हुआ। अरे इस डरावने मंजर में ये गाना ही सहारा था, वो भी बंद हो गया। आज का तो शायद दिन ही खराब था, पहले बॉस फिर माँ और अब ये सब। वरुण बेटा जल्दी से यहाँ से निकलने के बारे में सोच। तभी एकदम कर्कश आवाज में उसके कानों में एक गाने की धुन सुनाई दी। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन।
गाने की आवाज सुनकर वरुण ने जैसे ही गाने की आवाज कहां से आ रही है ढूंढने के लिए आसपास देखा तो गाड़ी के बैक मिरर में देखकर उसके होश उड़ गए। गाड़ी की पिछली सीट पर एक महिला बैठी थी, वन पीस पहने बहुत ही खूबसूरत महिला बैठी थी, जिसके बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। वरुण सोचने लगा, चलती कार में ये महिला कैसे अंदर आ गई? वरुण कुछ बोल पाता उसके पहले ही वो महिला उसके साइड वाली सीट पर बैठी थी। अचानक से महिला आगे कैसे आ गई, ये सोच वरुण हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। उसे इस तरह देखते देख महिला मुस्कुराकर बोली, अभी तो तुम गाना सुनने के लिए अपना टेप रिकॉर्डर चेक कर रहे थे, मगर मेरा गाना सुनकर हैरानी से मुझे देख रहे हो, क्यों तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया? वह महिला दिखने में जितनी खूबसूरत थी उसकी आवाज उतनी ही कर्कश और डरावनी थी। वरुण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसने कहा, मैं राजबाला, और तुम? इस बार उसकी आवाज बहुत ही सामान्य थी। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि वह उस महिला की हरकतों से हैरान था। वरुण खामोश था कि अचानक वो महिला कर्कश आवाज में बोली, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, कहकर वो वरुण को घूरने लगी। वरुण की आवाज में घबराहट थी। वरुण सक्सेना, अभी कुछ देर पहले तुम अपनी माँ से शादी के बारे में बात कर रहे थे, शादी के बारे में क्या ख्याल है, कैसी लगी मैं तुम्हें, मुझसे शादी करोगे? वरुण वैसे ही बहुत घबरा चुका था, अब अचानक से शादी का सवाल सुनकर उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अपने रुमाल से पसीना पोंछकर वह उसकी ओर देखकर पूछने लगा, तुम अचानक से मेरी कार में कैसे आ गई? महिला मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी, अचानक कैसे, मैं तो तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी, बोलो शादी करोगे मुझसे? वरुण कुछ भी नहीं बोला तो लड़की गुस्से में उसकी ओर देखने लगी, क्यों क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? पसंद शादी, व्हाट नॉनसेंस, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम शादी की बातें कर रही हो। वरुण का जवाब सुनकर वो लड़की जोरों से हंसने लगी, अब उसकी आवाज एकदम कर्कश हो गई थी। वह धीरे धीरे रास्ते की ओर देखकर बोलने लगी, तुम लड़कों को तो हमेशा ही शादी करने की जल्दी रहती है, एक तुम हो जो कह रहे हो एक दूसरे को जानते ही कितना है, तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, पहले मीठी मीठी बातों में लड़कियों को फंसाते हो और फिर उनका फायदा उठाते हो, शादी की बात आई नहीं कि पीछे हट जाते हो। देखो मैं तो पूरी तरह से मॉडर्न हूँ, कहीं से भी गंवार नजर आती हूँ। बोलते बोलते उसकी आवाज अब बहुत ज्यादा भयानक हो गई थी। वरुण ने घबरा कर उसकी ओर देखा तो उसकी आवाज के साथ साथ उसका चेहरा भी बहुत भयानक था, एकदम एक सड़ी गली लाश की तरह बहुत खतरनाक। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, चेहरा हाथ पैर इतने सफेद मानो उसमें खून की एक बूंद भी ना हो। घबराकर वरुण ने गाड़ी रोक दी और कार खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर कार का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वह लड़की धीरे धीरे वरुण की ओर बढ़ने लगी। वरुण घबराकर बोला, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। लड़की जोरों से हंसते हुए बोली, तुम्हें कौन मार रहा है, तुम्हें तो अपने करीब ला रही हूँ। कहते हुए उसने अपने दोनों दांत वरुण की गर्दन पर लगा दिए, एक चीख और सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह वरुण की कार के आसपास भीड़ जमा थी। वरुण का शरीर एकदम सफेद था, मानो उसके शरीर से किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। पुलिस वाले उसकी कार के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे। पिछले 6 महीने में ये इस रास्ते पर इस तरह से मिली हुई 8वीं लाश है, कोई सुराग भी नहीं मिलता है, इसलिए तो इस रोड पर लोगों का रात को आना जाना मना है, लोगों को नो एंट्री बोर्ड भी नजर नहीं आती। इंस्पेक्टर अपनी तफ्तीश कर रहे थे और दूर दो आंखें चमक रही थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।